सिक्स्थ क्वेश्चन, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नहीं, आगे बढ़े। ए साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन ही टेक्स ए सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 25 मीटर। एक साइक्लिस्ट चल रहा है सर्कुलर टर्न पे, लो भाई साइक्लिस्ट सर्कुलर टर्न पे चल रहा है, टेक ए टर्न। साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन ही टेक्स ए सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 25, ही अप्लाइज ब्रेक्स ब्रेक्स एंड रिड्यूसेस हिज स्पीड एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड घटने लगी, देन नेट एक्सेलेरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट विल बी, साइक्लिस्ट का नेट एक्सेलेरेशन चाहिए। ये रहा भाई हमारा ट्रैक या टर्न, ट्रैक तो नहीं बोलेंगे, टर्न। साइक्लिस्ट जिस टर्न पे मोड़ रहा है, जरूरी नहीं कि हर टर्न पूरा सर्कुलर हो, लेकिन हम लोग एक मान के चलते हैं कि हर कर्व्ड जो होता है, हर कर्व्ड पाथ किसी न किसी सर्किल का हिस्सा होता है। हर कर्व्ड पाथ की अपनी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, अपनी एक उसको अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेच करें, एक्सटेंड करें, तो उस सर्किल का हिस्सा बन जाएगा, सर्किल का आर्क बन जाएगा। तो इसको भी मान लेते हैं, लिखा तो है सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 25, ये रही रेडियस 25 मीटर। इस साइक्लिस्ट की स्पीड 10 थी, ये रहा साइक्लिस्ट पार्टिकल के लिए। हमारे लिए साइक्लिस्ट तो जब बाइक, हम कौन सा साइकिल बाइक बनाने लगेंगे, हम तो उसे पार्टिकल ही दिखाएंगे। तो ये रही साइक्लिस्ट की स्पीड, रेडियस, ब्रेक लगा दिया और स्पीड घटने लगी। स्पीड घट रही है एट ए कॉन्स्टेंट रेट 3। तो पहले तो मुझे ये बताओ ये क्या है, मतलब सर्कुलर मोशन तो है। सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, जिसमें एक्सलेशन सेंटीपीटल एक्सलेशन होता है, वी स्क्वायर बाई आर ओमेगा स्क्वायर आर, वही होता है नेट एक्सलेशन। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भी बदलती है, डायरेक्शन भी बदलती है। स्पीड बदलने वाला एक्सलेशन का कंपोनेंट होता है टेंजेंशियल एक्सलेशन, एटी डीवी बाई डीटी आर अल्फा। स्पीड बदलता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। वेलोसिटी के अलोंग तो स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी का अपोजिट तो स्पीड घटेगी। एक होता है एक्सलेशन का कंपोनेंट एसी, एटी लगता है टेंजेंट के अलोंग, एसी लगता है टुवर्ड्स द सेंटर सेंटीपिटल डायरेक्शन में, एसी डायरेक्शन बदलता है। सेंटीपिटल एक्सलेशन स्पीड नहीं बदलते, डायरेक्शन बदलते हैं। टेंजेंशियल एक्सलेशन स्पीड बदलते हैं, डायरेक्शन नहीं बदलते। एटी लगता है टेंजेंट, एसी लगता है रेडियस, दोनों आपस में 90 डिग्री। ये जो मोशन हो रहा है, जहां पे लिखा है कि स्पीड घट रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रखे हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन समझ जाओगे तो नीट के सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन कर लोगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्कुलर मोशन में क्या दे देंगे वो? वी दिखाओ, आर दिखाओ। अब स्पीड घट रही है तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 80 होगा, टेंजेंट इसको बोलते हैं। अगर स्पीड बढ़ रही होती तो 80 ऊपर होता, स्पीड घट रही है तो 80 नीचे, ये रहा 80। स्पीड के घटने की रेट कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये ले लो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 80। एसी कितना है? तो एसी टुवर्ड्स द सेंटर होता है, पहले तो ये सेंटर की तरफ दिखाओ सेंटीपीटल, वी स्क्वायर बाई आर। वी उस मोमेंट पे 10 है, तो वी स्क्वायर 100, रेडियस 25, तो 100/25 कितना? 4। एसी 4, 83, और दोनों के बीच में एंगल 90, टेंजेंट और रेडियस। नेट एक्सलेशन पूछा है, तो यही तो मैं तुमको बता रहा हूं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होता है। अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, टी टेंजेंट, सी सेंटीपीटल रेडियस, बीच में एंगल 90, 90 डिग्री के दो वेक्टर अगर होंगे तो उनका नेट इधर ही तो आएगा। तो भाई जैसे ये 80 हो तो ये भी 80, ये तो कह रहे एसी है ही, तो पाइथागोरस से ये हाइपोटेन्यूज कितना बन जाएगा? अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलेरेशन वी को भाई यार लिख के मत खत्म कर देना। समझ में आया? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलेरेशन अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखना। तो करते हैं, 80
3ac4, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16, अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन निकालना सीख गए, आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं।